आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को फायदा देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब्सक्राइबर्स को मिले, इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से चर्चा कर रही है। ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को मेडिकल सुविधा मिले, इस बात की मांग काफी समय से चली आ रही है। अब ये मांग की गई कि पेंशन होल्डर को नए स्कीम का फायदा मिले, और जानकारी के मुताबिक किस पेंशन होल्डर को इसका फायदा मिले किसे नहीं, ये क्राइटेरिया आयुष्मान भारत के कानूनी स्ट्रक्चर पर निर्भर करेगा। हालांकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने औपचारिक रूप से कोई ऐसा प्रस्ताव मंजूर नहीं किया, अभी इसे एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है कि क्या योग्य पेंशन होल्डर को मेडिकल सुविधाएं आयुष्मान भारत स्कीम के जरिए दी जा सकती हैं। सीबीटी के मेंबर के मुताबिक इस सुविधा से पहले यह भी देखना होगा कि पेंशन होल्डर किस कैटेगरी में आता है। आयुष्मान भारत का जो फीचर डिजाइन हुआ है उसकी एलिजिबिलिटी के दायरे में जो भी आते हैं उनको सबको मिलेगा, उसमें कोई ईपीएस का पेंशनर है और उस दायरे में आता है तो उसको भी इसका बेनिफिट निश्चित तौर पर मिलेगा। डिपेंड इस पर करता है कि जो फीचर हैं आयुष्मान भारत की वो उसके फीचर के अंतर्गत उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के दायरे में आता है कि नहीं। अगर आता है तो निश्चित रूप से उसको मिलेगा। तो ईपीएफओ पेंशनर्स को भी आयुष्मान भारत के तहत फायदा होगा, और जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश जी, देखिए इस बात को लेकर चर्चा चल रही है क्योंकि ईपीएफओ के पेंशनर्स को मेडिक्लेम फैसिलिटी मिले, इस बात की डिमांड काफी समय से चल रही है। और ज्यादातर पेंशनर्स जो हैं, करीब करीब 70-80% पेंशनर्स ऐसे हैं ईपीएफओ के तहत जिनकी जो पेंशन की रकम है वो 1500 रुपये से कम है, और ऐसे में इस बात को लेकर काफ़ी समय से मांग की जा रही है कि रिटायरमेंट के बाद जब सैलरी नहीं मिल रही है ऐसे में पेंशन की इस रकम से जो मेडिकल के खर्चे हैं उसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, हो रहा है। ऐसे में इस बात की डिमांड काफ़ी समय से की जा रही है। अब जबकि आयुष्मान भारत स्कीम जैसा काफ़ी महत्वाकांक्षी स्कीम लॉन्च किया जा चुका है तो इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या इसके मौजूदा प्रावधानों के हिसाब से ईपीएफओ के पेंशनर्स को इस तरह की फैसिलिटी दी जा सकती है। हालांकि सीबीटी की जो आगामी बैठक होगी उस बैठक में औपचारिक तौर पर इस बात को लेकर चर्चा होगी कि आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसे हो, कौन कौन से ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको इसमें शामिल किया जा सकता है। मसलन कि अगर कोई ऐसा पेंशनर है जिसको ईएसआई की फैसिलिटी मिल रही है उसको कैसे अलग किया जाए, कोई ऐसा पेंशनर जिसको ईएसआई की फैसिलिटी नहीं मिल रही है लेकिन उसकी पेंशन की रकम इतनी कम है कि उसको उसके लिए इस स्कीम का फायदा देना जरूरी है। यह भी देखना जरूरी है कि किसी पेंशनर की रकम ज्यादा है और लेकिन वो ईपीएफओ का मेंबर है तो उसे क्यों इस बात का बेनिफिट दिया जाए। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको अलग अलग करने की तैयारी चल रही है। दूसरी चीज ये कि एक ये एक विकल्प के तौर पे ये भी विचार किया जा रहा है जो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस सर्विस है जिसमें कि एक मद एम्प्लॉय जमा करते हैं, एम्प्लॉयर जमा करता है कर्मचारी के लिए, तो क्या उस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी इस फंड का इस्तेमाल जो है डेथ क्लेम के तौर पे करीब करीब 6 लाख रुपए तक के आसपास का जो बेनिफिट है वो डिपेंडेंट को मिलता है। तो अभी ये इस विकल्प पे विचार किया जा रहा है कि क्या उस मद में कुछ रकम और बढ़ा के जो प्रीमियम की रकम है पेंशनर की तरफ से वो दी जाए और उसके बाद आयुष्मान भारत स्कीम का फायदा उनको देने में मदद मिले। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा चल रही है, और अगर इस बात की मंजूरी मिलती है तो जाहिर तौर पर करीब करीब 60 लाख से 65 लाख के आसपास पेंशनर्स हैं और उसमें अधिकतर को इसका फायदा मिल सकता है। शुक्रिया प्रकाश इस पूरी खबर पर और डिटेल में जानकारी देने के लिए आपका।